लॉकडाउन में गांव में फंसे हुए हैं और आज हम सोचे कि गांव का थोड़ा सैर किया जाए, तो हम लोग निकल चुके हैं गांव की सैर करने के लिए। देख सकते हैं मेरे साथ मेरी पूरी टीम गांव की सैर करने के लिए। कैसा अपना अनुभव बताते जाएंगे। फल बोला जाता है इसको, काफी स्मेल आता है। छोटा छोटा सा फल भी रहता है जो खाने के बाद वो तो फला है। मछली मछली फल वो तो फला है। ये देख सकते हैं आप। देख सकते हैं यहाँ इस तरह से इतनी तूफान आई है जिससे देख सकते हैं पेड़ों को किस तरह से नुकसान पहुँचा है। और ऐसी स्थिति में ये लोग यहाँ सेल्फी लिए जा रहे हैं यहाँ इन लोगों द्वारा। चलिए बात करते हैं। हेलो हेलो मिस्टर, इतना तूफान आया है यहाँ देख सकते हैं पेड़ पौधे कैसे किस तरह से धराशायी हो चुके हैं, तो आप लोग इधर तूफान में इतनी तूफान में कैसे ये बाहर घूम रहे हैं बता सकते हैं। तो हम लोग तो रिपोर्टर है ना, रिपोर्टिंग करना हमारा काम है। अच्छा ये भी सही है। देखिए यहाँ तीन तालाब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये नंबर वन, नंबर टू और ये नंबर थ्री। तो माना जाता है कि इसमें फर्स्ट वाले तालाब का नाम ब्रह्मा है, इस वाले तालाब का नाम विष्णु है जो कि क्षीर सागर के रूप को प्रतीत करता है। ये बीच में इसकी प्रस्तुति स्तुति को देख सकते हैं और लास्ट ये महादेव भोलेनाथ का नाम महेश के नाम से ये तालाब। ये तीनों तालाब को बहुत ही देखिए जहाँ तक हमारी नजर जाती है वहाँ तक पूरा हमारा ही ये भूमि धरोहर संपदा सब हमारी है। अभी इस मौसम में यहाँ धान नहीं लगाया जाता, तो पशुओं को यहाँ ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि ये अपना पेट भर सके। देखिए किस तरह से पशु अपना पेट भर रहे हैं यहाँ। बहुत ही हालत ख़राब हो गया बहुत चलने के बाद इसका, देख सकते हो ज़्यादा नहीं 2 किलोमीटर के आसपास चला है उतने में ही इसका हालत ख़राब हो गया। अभी अभी हमारे गांव में शेर आया था जिसके पंजे का निशान यहाँ पर भली भांति देखा जा सकता है। अरे छोटू, अरे छोटू यहाँ शेर आया था क्या, बता दे छोटू कितना बड़ा था शेर, अब तू देखा था क्या उसको, कितना दूर से देखा था। अच्छा another crime scene, yeah. Get a little bit of gasoline.